बिस्मिल्लाह हमारे मास्टरान को हम सबसे पहले बात करते हैं पीएसएल 8 के हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। निजम सेठी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जितना भी ये शेड्यूल है वो बता दिया है। अगर बात करें तो पीएसएल 8 का जो ये शेड्यूल है ये दो मरहल में उन्होंने बताया है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि मुल्तान और कराचीज़ में मैचेस खेले जाएंगे 13 फरवरी से लेकर ये 26 फरवरी तक खेला जाएगा टूर्नामेंट, और उसके बाद 26 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक जो अगला मरहला होगा इसका वो लाहौर और रावलपिंडी में खेला जाएगा, और जो प्लेऑफ मैच होंगे और फाइनल होगा वो लाहौर में खेला जाएगा। इसके अलावा निजम सेठी का मजीद कहना था कि जो इब्तदाई सेरेमनी होगी वो मुल्तान में होगी, और इसके अलावा मजीद उनका कहना था कि कराची और लाहौर को 9-9 मैच मिले हैं, रावलपिंडी को सबसे ज़्यादा मैचेस मिले हैं, 11 मैचेस की मेज़बानी करेगा रावलपिंडी। अगर बात करें तो मुल्तान को 5 मैच मिले हैं। इसका कहना था कि सॉन्ग के हवाले से काम जारी है और बहुत जल्द अगले तकरीबन 7 दिनों में सॉन्ग जो होगा PSL 8 का वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा उनका कहना था कि जो इब्तदाई मैच होगा वो मुल्तान में खेला जाएगा, लाहौर कलंदर और जो मुल्तान सुल्तान है उनके दरमियान मैच खेला जाएगा, और अगला मैच जो होगा वो कराची किंग्स और पेशावर जलमी के दरमियान खेला जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन दी कर